नमस्कार, मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बंद गोभी आलू की सूखी सब्जी। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए एक बंद गोभी धो लेंगे। अब बंद गोभी को पहले हाफ काटेंगे, फिर उसको दो तीन टुकड़ों में काटकर अच्छा बारीक काट लेंगे। दो आलू को छीलकर इस तरह काट लेंगे। टमाटर भी बारीक काट लेंगे। तीन चार हरी मिर्च काट लेंगे। अब बनाना स्टार्ट करेंगे। एक कढ़ाई में दो तीन चम्मच सरसों का तेल डालकर गरम करेंगे। 1 टीस्पून मेथी दाना तड़का लेंगे। 2 चुटकी हींग डाल देंगे। थोड़ा जब ये पक जाएगा तब हम इसमें कटे हुए हरी मिर्च को डाल देंगे, कटे हुए आलू को भी डाल देंगे, थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें कटे हुए टमाटर को डाल देंगे। नमक स्वादानुसार डालेंगे। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून डाल देंगे। भूनेंगे, ढक कर पकाएंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने देंगे, तब तक मसाले भी पक जाएंगे। कटे हुए बंद गोभी में से थोड़ा बंद गोभी डाल देंगे, अच्छा मिक्स कर लेंगे। हुए बंद गोभी और थे उनको भी डाल देंगे, ढक देंगे। 2 मिनट में चलाते रहेंगे, ढककर पकाएंगे, पक जाएगा। अब सब्जी को बंद कर देंगे, रेडी हो जाएगा आलू बंद गोभी का सूखा सब्जी। तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो इसको आप बनाइए, खाइए। नमस्कार, आज हम बहुत ही आसान तरीके से बंद गोभी आलू की सब्जी बनाएंगे। ये बंद गोभी आलू की सूखी सब्जी होगी। बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक बंद गोभी ले लेंगे। बंद गोभी का डंठल अलग कर देंगे, हाफ पीस में काटेंगे। फिर इनको इस तरह से एक साइड से बारीक काटेंगे, फिर इसको दूसरे साइड से भी काट देंगे। इस तरह से बंद गोभी के छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। आलू को भी इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। हरी मिर्च काट लेंगे। कढ़ाई में 2-3 चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे। तेल जब थोड़ा गरम हो जाएगा, 1 टीस्पून मेथी डालेंगे, 1 टीस्पून सरसों के दाने डालेंगे, 1/2 टीस्पून हींग डालेंगे। जब ये सब तड़क जाएगा तब हम कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे। जब ये थोड़ा पक जाएगा तब हम इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। चलाएंगे, अच्छा भूनेंगे, गोल्डन ब्राउन होने देंगे। आलू को अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब कटे हुए बंद गोभी भी डाल देंगे, अच्छा चला लेंगे, भूनेंगे, पकाएंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। इसको थोड़ा चला लेंगे, मिला लेंगे। बंद गोभी आलू की सब्जी को ढककर पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे ताकि यह नीचे से जले ना और अच्छा पककर रेडी हो। अच्छा चलाने से बंद गोभी आलू में अच्छा से नमक और मसाला मिक्स हो जाएगा। थोड़ी देर में ये अपने ही पानी में पक जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगा। ये बंद गोभी आलू की सूखी सब्जी बहुत ही टेस्टी बना है। आज हम बनाएंगे बंद गोभी आलू मटर टमाटर की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा और ये आप डेली के सब्जी में बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होगा और टेस्टी भी होगा। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक बंद गोभी को अच्छा धो लेंगे, इस तरह से बारीक काट लेंगे। 2-3 आलू धो लेंगे, छील लेंगे, उनको भी मोटे मोटे काट लेंगे। मटर के दाने भी ले लेंगे। अब 2 टमाटर रफली चॉप कर लेंगे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 3-4 हरी मिर्च, इनका हम पेस्ट बना लेंगे। कढ़ाई गरम करेंगे, 2-3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून मेथी, 1/2 टीस्पून सरसों के दाने तड़का लेंगे। जब यह थोड़ा तड़क जाएगा तब हम इसमें 2 चुटकी हींग डालेंगे, थोड़ा पका लेंगे। अब कटे हुए आलू को डाल देंगे, थोड़ा भूनेंगे। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देंगे, तो स्वादानुसार नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब, हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून डालेंगे, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब डालेंगे, काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। अब इनको अच्छा चलाएंगे, थोड़ा पकाएंगे, भूनेंगे। थोड़ा जब यह पक जाएगा मसाला तब हम इसमें जो टमाटर अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर रखे थे उसे भी डाल देंगे। इन सबको थोड़ा भून लेंगे। जब यह थोड़ा भुना जाएगा तब हम इसमें कटे हुए बंद गोभी का थोड़ा कटा हुआ बंद गोभी डालेंगे। अब इनको अच्छा मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें जो बचा हुआ बंद गोभी था उनको भी डाल देंगे। थोड़ा ढक कर पकाएंगे। जब यह थोड़ा पक जाएगा तब हम इसमें मटर
के दाने भी डाल देंगे। अब इसको पकाएंगे, सब्जी अपने आप थोड़ा पानी भी रिलीज करेगा तो इसी पानी में ये सब्जी पक जाएगा। इसको स्लो फ्लेम पर रखेंगे, चूल्हे को स्लो फ्लेम पर रखेंगे और ढककर पकने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं और चारों तरफ से अच्छा पक जाए। थोड़ी देर में अच्छा पक जाएगा, जब इसका आलू अच्छा पक जाएगा तब ये हमारा सब्जी बनकर रेडी हो जाएगा। मटर और बंद गोभी भी इनके साथ अच्छे पक कर रेडी हो जाएंगे। इसको